Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum student. I hope you are doing well at home. Student, today we are going to start our new chapter, Classification of Living Things. So open your reading book, page number 34. Student, aaj hum apna new chapter start kar rahe hain. यूनिट 4 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग. हम लिविंग थिंग की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है. 18th सेंचुरी में जो है साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया उन्होंने लिविंग थिंग को एक सर्टन ग्रुप में पुट करना और उन्हें एक साइंटिफिक नाम देना शुरू किया 18th सेंचुरी में, ठीक है, ताकि वो सारी दुनिया में उसी नाम से जो है उन्हें बुलाया जाए. इस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन. साइंस में जो फर्स्ट वे है जिसमें लिविंग थिंग को डिवाइडेड किया गया है वो है क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, ताकि उन्हें फाइव किंगडम में पुट किया गया है. फाइव किंगडम कौन से हैं? सबसे पहले है प्रोटोक्टिस्ट, प्रोकैरियोट्स, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है. प्रोटोक्टिस्ट में क्या है? अमीबा. प्रोकैरियोट्स में है बैक्टीरिया एंड सम टाइप ऑफ एल्गी. फंजाई में मशरूम, मोल्ड, यीस्ट. प्लांट्स में जो है ऑल ग्रीन प्लांट्स को प्लांट्स में डाला गया है. एनिमल्स में जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उन्हें एनिमल्स में डाला हुआ है. तो ये फाइव किंगडम्स हैं जिनमें जो है इनको डाला गया है, ठीक है. अब जो ईच फाइव किंगडम है इनको भी डिवाइड किया गया है, ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे. एनिमल्स, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंसेस होता है? जो एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं और जिनकी बैकबोन नहीं होती उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं. जैसे कि वर्टिब्रेट्स में एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने मैमल्स की, इनकी बैकबोन होती है बर्ड्स की, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, इनकी बैकबोन होती है. लेकिन किन एनिमल्स की बैकबोन्स नहीं होती? इंसेक्ट्स की और वॉर्म्स की, इनकी बैकबोन्स नहीं होती, ठीक है. वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स को क्लासिफाइड क्या है? फाइव ग्रुप्स में. कौन कौन से? मैमल्स, रेप्टाइल, फिश, बर्ड्स एंड एम्फीबियन, ठीक है. आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था, आप लोगों को ये याद है. अच्छा, द फाइव ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये फाइव ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स इन्होंने दिए हैं. यहाँ पे उनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से कोल्ड ब्लडेड हैं और यहाँ लिखा हुआ है किससे कवर्ड होते हैं. अब देखें, सबसे पहले फिश है. फिश में जो एग्जांपल दी हुई है ट्राउट, ट्यूना, शार्क, ठीक है, और ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं. कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, ये क्या है? कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं ये अपना टेम्परेचर, जो बॉडी के इनसाइड टेम्परेचर होता है, ये वेदर के साथ चेंज कर सकते हैं. अगर समर है, हॉट है, तो ये इनका बॉडी टेम्परेचर हॉट हो जाता है, और अगर सर्दी होती है तो इनके अंदर का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है. लेकिन जो वार्म ब्लडेड होते हैं उनके टेम्परेचर जो है सेम रहता है. तो वार्म ब्लडेड जो हैं वो बेशक भाई सर्दी हो गर्मी हो ये वार्म ब्लडेड ही रहते हैं, इनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. वार्म ब्लडेड में आते हैं मैमल्स, ठीक है, क्योंकि बर्ड्स, मैमल्स ये सब जो है वार्म ब्लडेड हैं, ओके. और फिश, रेप्टाइल्स और जो फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल जो हैं ये जो है कोल्ड ब्लडेड हैं, इनका टेम्परेचर जो है वेदर के साथ जो है चेंज होता रहता है. अच्छा, उसके बाद कवर्ड किससे होते हैं? स्केल्स होते हैं फिश के ऊपर. उसके बाद एम्फीबियन है, एम्फीबियन में फ्रॉग आते हैं, न्यू सिलेमेंडर आता है, ये कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है, इनका टेम्परेचर भी जो है वेदर के साथ चेंज होता रहता है. उनकी स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है, स्लिपरी स्किन होती है, जैसे आपने फ्रॉग के देखा स्किन जो वो शाइन कर रही होती है. फिर रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स में आते हैं स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टल, ये भी कोल्ड ब्लडेड है, इनकी स्किन ड्राई होती है और कवर्ड होती है स्केल से. बर्ड्स हैं, बर्ड्स में पिजन, हैन, स्पैरो, आउल और सीगल आता है, ये वार्म ब्लडेड है, ठीक है, इनका टेम्परेचर बॉडी का सेम रहता है चाहे बेशक सर्दी हो या गर्मी हो. और इनके फैदर्स होते हैं, कवर्ड किससे होते हैं? बॉडी इनकी फैदर्स से. मैमल्स में आता है डॉग, कैट, कैमल, हॉर्स, काउ, लाइन, और ये वार्म ब्लडेड है और इनकी बॉडी कवर्ड किससे? हेयर से. ओके स्टूडेंट, तो आपने भी अच्छे से इनको रीड करना है और इस ग्रुप को याद करना है आपने. ओके, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.